नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। बात करूंगा बॉलीवुड सुपरस्टार आयुष्मान खुराना के बारे में। जी हां, लगातार एक से एक बड़ी हिट फिल्म वो बॉक्स ऑफिस पर देते आ रहे हैं और इस कड़ी में अब उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म या कह लीजिए बड़े ही विवादों से घिरी और विवादों को चीरती हुई या बाहर निकलती हुई आई बाला और एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने धमाल मचा दिया। जी हां, एक अलग कंटेंट था और उस कंटेंट में हंसी मजाक का जो तड़का लगाया बाला में आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यमी गौतम ने, वो बॉक्स ऑफिस पर जलवे के साथ एकदम से छा गया है। जी हाँ, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है बाला और पहले ही दिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म ने 8 से 10 करोड़ के बीच में कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर जैसे जैसे आयुष्मान खुराना की फिल्में रिलीज हो रही हैं वैसे वैसे वो पहले दिन में कमाई का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और अच्छे तरीके से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है और सुपरहिट साबित होती है। इससे पहले ड्रीम गर्ल आई थी जो आयुष्मान खुराना की, वो बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की कमाई के मामले में उनकी सबसे बड़ी फिल्म बनी थी और 10 करोड़ कमाए थे फिल्म ने पहले दिन पर। ठीक उसी प्रकार बाला भी अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। जो रिव्यू और रेटिंग निकल के आ रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म अच्छी खासी कमाई करेगी और एक और सुपरहिट साबित होगी आयुष्मान खुराना के लिए। इस साल बातचीत करें तो ड्रीम गर्ल और कई ऐसी फिल्में रही हैं आयुष्मान खुराना के लिए जो सुपरहिट साबित हुई हैं, बधाई हो, और कई और फिल्में हैं जो अलग अलग कंटेंट पर, आपको पता है कि आयुष्मान खुराना हमेशा एक ऐसे कंटेंट पर फिल्म करते हैं जो लोग देखने जाएं, उसको देखें, हंसी मजाक के साथ उसका लुत्फ़ उठाएं, साथ ही साथ उनको एक खास मैसेज मिले। ठीक उसी प्रकार बाला में आपने देखा हुआ, जैसे ट्रेलर में देखा और जैसे कि टीज़र वगैरह पोस्टर आए कि बाल झड़ने, जैसे कि जो गंजेपन की समस्या है उससे लोग जूझते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ सांवलेपन की जो समस्या है, मतभेद है समाज के अंदर, ऐसे तमाम गंभीर मुद्दों पर आयुष्मान खुराना ने अपने ही तरीके से अपना किरदार निभाया है और लोगों को उससे खूब रिझाया है। अमर कौशिक ने फिल्म का डायरेक्शन किया और दिनेश बिजान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, यानी निर्माता है दिनेश बिजान और स्त्री से पहले वो बना चुके हैं तो आप जानते हैं कि वो किस तरीके से फिल्मों के लिए उनके अंदर जो क्रेज है और कह लीजिए जो स्क्रिप्ट रहती है वो कैसे वो डील करते हैं और कैसे लोगों के सामने पेश करते हैं, वो सारा कारोबार इस फिल्म बाला के अंदर दिखाया गया है। सुपरहिट साबित होने की कगार पर है क्योंकि पहले दिन जब फिल्म कोई 8 से 10 करोड़ के बीच में कमाई कर लेती है तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले दिनों में फिल्म अच्छी खासी कमाई करेगी और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। अब आपको बता दें कि फिल्म विवादों में क्यों घिरी रही थी, दरअसल इसी के साथ और इसी कंटेंट से रिलेटेड फिल्म आई थी उजला चमन जो 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, तो उनके जो डायरेक्टर थे अभिषेक पाठक, उन्होंने जो बाला फिल्म है उनके जो मेकर्स हैं उन पर केस डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की अर्जी लगाई थी कि जो बाला की रिलीज डेट है उसको हटाया जाए क्योंकि इन्होंने कॉपीराइट उल्लंघन किया है, जैसा ही कंटेंट हमारी फिल्म का है सेम वही इन्होंने कंटेंट लिया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और फिल्म रिलीज हुई। कल 7 नवंबर को फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होते ही लोगों को काफ़ी पसंद आई और लोगों के दिलों पर फिल्म ने अलग ही छाप छोड़ दी और काफ़ी पसंद आ रही है। लोग ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहले दिन का 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा है वो बेहद सही है और थोड़ी बहुत देर में जो फिल्म समीक्षक हैं तरुण आदर्श या और भी क्रिटिक्स हैं उनके ट्वीट आ जाएंगे और पूरे तौर से पता लग जाएगा फिल्म बाला ने पहले दिन कितनी कमाई की। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ कमा लिए हैं बाला ने और अब पटरी पर चल दी है गाड़ी। देखते हैं कि आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल जिस तरीके से सुपरहिट साबित हुई, क्या उसी कड़ी में इस साल की दूसरी बेहतरीन फिल्म बन सकती है बाला आयुष्मान खुराना के लिए, क्योंकि जो लोगों की राय आ रही है सोशल मीडिया पर, जैसे लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं फिल्म बाला को देखने के बाद, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि बाला आयुष्मान खुराना की एक और सुपरहिट फिल्म बन गई है। मनोरंजन जगत से जुड़ी जो खबरें आएंगी वो देता रहूंगा आपको, देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।